Hey guys, what's up? कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे. वेलकम बैक टू माय चैनल जीवा एडिट. आज मैं आपके लिए न्यू ड्रिपिंग इफेक्ट फोटो एडिट का ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ. अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए. वहाँ पे मैं न्यू पोस्ट डालता रहता हूँ. चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और जितने भी हम बैकग्राउंड एंड पीएनजी इस वीडियो में यूज़ करेंगे उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. पहले चलो स्टार्ट करते हैं. पहले हम ये व्हाइट बैकग्राउंड ले लेंगे पिक्सआर्ट में से ही. इन सभी को लेने के बाद, बैकग्राउंड लेने के बाद फिर जाएंगे हम ऐड फोटो में. फिर ले लेंगे हम मॉडल पीएनजी. इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से पहले सेट कर लेंगे. इरेजर टूल पे जाएंगे, इसको यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देंगे. इसका मैंने पहले से बैकग्राउंड रिमूव कर रखा है, और इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है बैकग्राउंड रिमूव शॉर्टकट ट्रिक. वहाँ इसका भी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सेट करने के बाद फिर हम राइट क्लिक कर देंगे. राइट क्लिक करने के बाद फिर क्रॉप टूल्स में जाएंगे. फिर क्रॉप पे क्लिक करेंगे. क्रॉप पे क्लिक करने के बाद इसको यहाँ तक क्रॉप कर देंगे. इसको क्रॉप करने के बाद राइट क्लिक कर देंगे. राइट क्लिक करने के बाद आपको ऐड फोटो में जाना है और फिर ग्लोइंग सर्कल ऑरेंज पीएनजी लेना है. इसको यहाँ पे इसको सेट कर लेंगे. इरेजर टूल पे जाएंगे, नहीं तो इसको इरेजर टूल पे नहीं जाने की बजाय इसको इरेजर टूल पे ही जाएंगे. फिर इसको यहाँ से इरेज कर देंगे हल्का हल्का. इरेज करने के बाद फिर कर देंगे राइट क्लिक. फिर से राइट क्लिक कर देंगे. फिर हम जाएंगे ब्यूटीफाई में. ब्यूटीफाई में अपने हेयर का कलर चेंज करेंगे. हेयर कलर पे क्लिक करेंगे और अपने बालों पे ब्रश को यूज करना है. जो भी हमें कलर चूज करना है उसको अपने बालों पे ब्रश हल्का हल्का लगा लेंगे. उसके हमने कलर चूज कर लिया. इसके अमाउंट को आप थोड़ा बढ़ा सकते हो, 10-58 तक बढ़ा देंगे. बढ़ाने के बाद फिर कर देंगे राइट क्लिक. राइट क्लिक करने के बाद फिर से राइट क्लिक कर देंगे. राइट क्लिक करने के बाद फिर से अब हम ऐड फोटो में जाएंगे. ऐड फोटो में नहीं जाएंगे. फिर जाएंगे हम स्टिकर्स पे. स्टिकर आइकन पे क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ से ड्रिपिंग इफेक्ट ले लेंगे. आपको वहाँ से भी नहीं लेना पड़ेगा, हम वैसे भी दे दूंगा मैं. वैसे लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. आप यहाँ से भी चाहो तो ले सकते हो. अभी पिक्सआर्ट में यहाँ पे भी है ड्रिपिंग इफेक्ट. कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे. मैं ये चूज़ कर लेता हूँ. इसको फिर जाएंगे और इसको जूम आउट करेंगे और इसको यहाँ पे अपनी बॉडी पे यहाँ पे अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे. और फिर जाएंगे ब्लेंड में और फिर स्क्रीन पे कर देंगे. स्क्रीन पे करने के बाद थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देंगे. करने के बाद फिर कर देंगे राइट क्लिक. राइट क्लिक करने के बाद अब हम फिर से स्टिकर्स पे जाएंगे और फिर यहाँ पे बैक कर देंगे. और फिर यहाँ पे सर्चिंग बार पे क्लिक करेंगे और हमें बटरफ्लाई एस्थेटिक ब्लू सर्च करना है. इसको सर्च करने के बाद यहाँ पे बटरफ्लाई पीएनजी आ जाएंगे और फिर हम इसमें से एक पीएनजी बटरफ्लाई का सिलेक्ट कर लेते हैं. कोई भी आपको जो अच्छा लगे, मैंने ये कर लिया. इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से पहले जूम आउट सेट कर लेंगे. और मैं बटरफ्लाई का भी पीएनजी वैसे लिंक में दे दूंगा. लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. इसको यहाँ पे सेट करने के बाद फिर से ऐड फोटो में जाएंगे. ऐड फोटो में जाएंगे और फिर एक बटरफ्लाई पीएनजी ले लेंगे एक. और फिर इसको यहाँ पे छोटा सा लगा देंगे और फिर इसी का ही एक डुप्लीकेट ले लेंगे और एक यहाँ पे लगा देंगे इसको. इसको भी थोड़ा सा छोटा करेंगे. इसको करने के बाद फिर कर देंगे राइट क्लिक. राइट क्लिक करने के बाद अब हम जाएंगे मास्क में. मास्क आइकन पे क्लिक करेंगे और इसी में ही हम फिर जाएंगे आर्टिस्ट में जाएंगे. और इसमें जाने के बाद फिर एक्सपोज्ड पे क्लिक करना है. लास्ट में ही मिलेगा आपको ये. फिर जाएंगे इरेजर टूल पे. जो जो हमारे हेयर्स पे आ रहा है उसको इरेज कर देंगे अच्छे तरीके से. यहाँ से इसको इरेज कर देंगे. इरेज करने के बाद फिर कर देंगे राइट क्लिक. फिर से एक बार और राइट क्लिक कर देंगे. हमारे सेट हो चुका है हमें जितना. फिर जाएंगे एफएक्स में. एफएक्स में जाने के बाद फिर जाएंगे हम मैजिक्स पे क्लिक करेंगे और फिर वाइट आइस पे क्लिक कर देंगे. वाइट आइस पे क्लिक करने के बाद फिर फेड को हम रखेंगे 77 तक रख लेंगे. इसको थोड़ा सा और 80 तक रख लेंगे. अब देखो अच्छा लग रहा है. इसको करने के बाद फिर कर देंगे राइट क्लिक. राइट क्लिक करने के बाद अब हम ड्रा टूल्स में जाएंगे. अब हमारा पिक्सआर्ट का काम पूरा हो चुका है. इमेज को सेव कर लेंगे. सेव करने के बाद लाइट रूम ऐप को ओपन करेंगे. हमें जो भी कलर रीडिंग करनी है वो इस ऐप से करेंगे. ऑल फोटोज़ में जाएंगे और पहले फोटो को ऐड कर लेंगे ऐड फोटो आइकन पे. अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत.
पहले फोटो को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद आप कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे 27 तक, और एक्सपोजर को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। हाईलाइट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे 1 तक, शेडो को कम कर देंगे -20 तक, और वाइटनेस को -16 तक, ब्लैक्स को भी -8 तक, और फिर सैचुरेशन को -19 तक रखेंगे, और फिर क्लैरिटी को 13 तक थोड़ा सा बढ़ाना है बस, और डीएज को भी थोड़ा सा बढ़ाना है 16 तक। इन सभी को बढ़ाने के बाद फिर शार्पनिंग को बढ़ा देंगे थोड़ा सा, और नॉइज रिडक्शन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे 36 तक, और फिर अब हम जाएंगे रिमूव क्रोमेटिक एब्रेशन को ऑन कर देंगे। इन सभी को करने के बाद अब हमारी फोटो बन चुकी है, तैयार हो चुकी है, फोटो एडिट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलेगा, एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना मत भूलेगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।